ज्योति से सचराचर स्वच्छंद जयति ब्रह्म ब्रह्मांड में सोई सच्चिदानंद। तू ही आदि अनादि है, तू ही अंत अनंत, तू ही है एक अनेक, है तेजवंत भगवंत। आदरणीय श्रोतागण, माताओं एवं बहनों, सती अनुसुईया का पावन चरित्र मैं आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया, कि आज भी लोग अपनी बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम सीता अनुसुईया सावित्री बनो। आज मैं पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ साध्वी सती अनुसुईया का पावन चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, तो सुने। कि कथा सुनी सुख सागर से, त्रेता की अमर कहानी है, त्रेता की अमर कहानी है, सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है। हाँ, सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है। अरे कर्दम ऋषि की सुता सुनो थी, देवहूति मैया उनकी थी, देवहूति मैया उनकी, कपिल मुनि की बहन बताऊं सुनो कहानी अब उनकी। कपिल मुनि की बहन बताऊं सुनो कहानी अब उनकी। श्रोतागण भाई बहनों, कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री अनसुईया, जो ब्रह्मा पुत्र अत्रि मुनि की पतिव्रता पत्नी थी, अनसुईया के भाई कपिल देव और उनके नाना नानी का नाम मनु व सतरूपा था। भक्तों, अनसुईया व अत्रि मुनि बड़े प्रेम से चित्रकूट के पास कामद नाम की पवित्र स्थली पर आश्रम बनाकर निवास करते थे। अनसुईया और अत्रि मुनि हृदय जपे हरि नाम, तो वर्षों से जलना पड़ा बिगड़ गए सब काम। एक बार ऐसा हुआ भैया कि वहां पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर सभी जीव मरने लगे। तो ध्यान रे भैया, हुआ क्या कि बीत गयो कछु काल, अगारी हाल सुनो चितलाई, जल बिन सब व्याकुल जीव बहुत दुखदाई, जल बिन सब व्याकुल जीव बहुत दुखदाई। अरे बन उपवन भय नष्ट, बड़ो है कष्ट धराय कुलाई, अनसुईया यह देख पति से बतराई, अनसुईया यह देख पति से बतराई। अनसुईया अपने स्वामी जी से कह रही हैं, सब जीव भये दुखियारे, ये दिन विपता के भारे,
जंतुओं को व्याकुल देखकर अनसुया बड़ी दुखी हुई और अपने स्वामी से प्रार्थना करने लगी। स्वामी जी, आरे हाथ जोर के कह रे सुनो पति बानी, इन दुखियन को हाल। स्वामी कर ले कोई यतन जो बादल पानी बरसावे, साजन कर ले कोई यतन जो बादल पानी बरसावे। अनसुया ने ऐसी दशा देखकर यह प्रतिज्ञा की कि जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अत्रि मुनि भी शिव के ध्यान में समाधि लगाकर बैठ गए। भैया, कैसी समाधि लगाई है अत्रि जी ने? सुने बचन प्रिया के अत्रि मुनि, पृथ्वी की प्यास बुझाने चले, पृथ्वी की प्यास बुझाने चले। शिव ध्यान में मगन हुए ऐसे, शिव ध्यान में मगन हुए ऐसे, भक्ति से जल बरसाने चले। बुद्धि न रही तन की उनको, सुध बुद्धि न रही तन की उनको, मानो शरीर ही चला गया। ध्यान में अत्रि जी ने समाधि लगा ली तो उनके शिष्यगण भूखे प्यासे वहां से भाग गए। अकेली अनसुया पति की सेवा में तत्पर हुई, साथ ही साथ उन्होंने मंत्रों के प्रयोग से शिव की पार्थिव प्रतिमा की रचना की और अर्चन पूजन में लग गई। इस प्रकार अत्रि जी और अनसुया दोनों ही शिव आराधना में लगे हुए हैं। आरे बैठे हैं तपधारी दोनों करे तपस्या भारी, हाँ बैठे हैं तपधारी दोनों करे तपस्या भारी। Thank you.
किया। अटल भक्ति अत्रि मुनि बैठे हुए हैं, भक्ति में लीन हैं, और इधर अनसुईया जी अपने पति की सेवा करती हैं। पानी पियो न खाना खायो और 54 वर्ष को समय बितायो, आरे ध्यान धरी तप धारी दोनों करे तपस्या भारी, बैठे हैं तप धारी दोनों करे तपस्या भारी। करते 54 वर्ष व्यतीत हो गए, मगर पानी नहीं बरसा। इसी बीच अत्रि मुनि को भारी प्यास के कारण समाधि टूट गई। अब वे अनसुईया से बोले, सती हाँ बोलो स्वामी जी। सती जी मुझे पानी पिला दो, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। सती मेरे शरीर में व्याकुलता बढ़ गई है। तो पति प्यारे की बात सुन सती गई घबराए, और लिया कमंडल हाथ में प्रभु से ध्यान लगाए। पति की बात सुनकर सती अनसुईया ने पति चरणों का ध्यान करके अपने सतीत्व केवल से प्रभु का ध्यान किया, और कमंडल को हाथ में लेकर जैसे ही ऊपर को किया तो भैया हुआ क्या, बादल न हुआ नहीं घटा गिरी, बिजली तड़पी नहीं अंबर में, बिजली तड़पी नहीं अंबर में, गंगा की धारा उमड़ चली, गंगा की धारा उमड़ी चली, भर दिया कमंडल पल भर में। दर्शन करने सतुबंसी के, दर्शन करने सतुबंसी के, खुद प्रकट हुई गंगा मैया। गंगा जी की प्रबल धार अकस्मात फूट पड़ी, कमंडल तो पलक झपकते ही भर गया, साथ ही जब धारा का प्रवाह नहीं रुका तो अनसुईया विस्मित हो गई।
उसी समय भागीरथी मानवी रूप धारण कर प्रकट हो गई और बोली कि हे सती जी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ, साथ ही कुछ भला भी करूँगी। पहले मुझे ठहरने को कहीं स्थान दो। उसी समय भक्तों, सती ने जमीन में एक गड्ढा खोदा, उसी में श्री गंगा जी को स्थान दे दिया। जो कमंडल हाथ में था, उस कमंडल में पानी भर लिया। तो लिया कमंडल हाथ में, आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। गंगा जल से भरा कमंडल सती अनसुईया ने अपने स्वामी को दे दिया। जब अत्रि जी ने यह पानी पिया तो वे अनसुईया से बोले, अनसुईया, हाँ बोलो स्वामी। अत्रि जी बोले कि अत्रि मुनियों बोले, प्यारी सुन लो बानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई। बतला दो प्यारी, नहीं बूंद गिरी घन से, ये कौतुक है भारी। ओ पतिव्रता नारी, कछु मने नहीं जानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे। देवी जी, इतना परम स्वादिष्ट शीतल जल तुम कहां से लाएं? वन उपवन सब सूखे पड़े हैं, धरा ताप से तप रही है, बादलों ने पानी वर्षाया नहीं, फिर इतना पवित्र जल लाएं तो कहां से लाएं? भक्तों, पतिदेव की बात सुनकर अनसुईया ने जवाब दिया, स्वामी जी सुनिए। बोली तब अनसुईया, प्रभु प्रण पालन हारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राणन प्यारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राणन प्यारे। तुम्हारे तप से मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई
सती साध्वी अपने प्रियतम को पानी पिलाकर पुनः निवेदन करती हैं, चलो स्वामी जी श्री गंगा जी के दर्शन कर एवं चरणामृत लेकर व स्नान करके हम दोनों अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। इस प्रकार भक्तों कि दर्शन के हित साध्वी ले गई पति को संग, और मुनि ने दर्शन जब किए तो पुलकित हुई गौ अंग। धन्य हो तुम्हारे समान और कोई पतिव्रता संसार में नहीं हो सकती। तुमने ही तो मुझे श्री गंगा जी के दर्शन कराए हैं। भक्तों पतिव्रता नारी के कुछ लक्षण विद्वानों ने बताए हैं, जरा ध्यान दें कि नारी तो वही है, नारी नीचे को नवाए चले और आठों पहर पति की बजाए तावेदारी को। कोड़ी हो कलंकी चाहे बलहीन धनहीन होवे और दुख सुख सब सहे न बोले खोट बचन गारी। पति की न निंदा करे बोले बोल सबसे प्रिय और हिल मिल के सबसे काट डारे लाचारी। संगीता यूं गाय कहे पापा जी की लेखनी है और पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। कुछ नारियां अपने शारीरिक सुंदरता को देखकर फूली नहीं समाती, लेकिन सुंदरता वास्तविक सुंदरता है तो क्या है, ध्यान दें कि जग में है सुंदर नारी पति से जो प्यार करें। जग में है सुंदर नारी पति से जो प्यार करें। ध्यान देना भैया, अरे सत्य को सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा को डाल और दया धर्म की बेंदी देकर गले भक्ति को हार। प्रभु का भजन करें। जग में है सुंदर नार पति से जो प्यार करें। सुंदर सोई भाग्यवान है सब तज विषय विकार और पर निंदा पर पत से बच के मन में स्वच्छ विचार। पति से नेह करें। जग में है सुंदर नार पति से जो प्यार करें। जग में
पतिव्रत सेवा पति ही देवा पति ही है श्रृंगार। पतिव्रत सेवा पति ही देवा पति ही है श्रृंगार। और सास ससुर की सेवा करके जीवन ले उस उदार। संगीता विनय करे जग में है सुंदर नार। पति से जो प्यार करे जग में है सुंदर। इस प्रकार कुछ पतिव्रताओं के लक्षण यहां बताए गए हैं। प्रिय भक्तों, श्री गंगा के दर्शन करके अनुसुया व अत्रिजी कृतार्थ हुए और स्नान करके पुनः भगवान का ध्यान करने लगे तो भैया हुआ क्या। नव में भाई जय जयकार देव सब जुड़ी आए। तपस्या से प्रसन्न होकर अपने देवगणों को लेकर डमरू बजाते हुए वहां आ गए। ब्रह्मपुत्र नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए पहले से ही अनसुईया की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान बोले, शंकर भगवान अनसुईया से बोले, देवी हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, अब हमसे कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर सती जी ने जवाब दिया कि शिव जी, प्रभु बात सुनिए। आरे बोली चतुर सुजान श्री भगवान सुनो चितलाई। तुम पार्वती के संग सदा दिखलाई। तुम पार्वती के संग सदा दिखलाई। सती जी भोलेनाथ से कह रही हैं, अरे देव हमें वरदान जगत कल्याण होई सुखदाई। अब पानी देव वरसाई कष्ट मिट जाई। अब पानी देव वरसाई कष्ट मिट जाई।
तड़पे पानी, बिन पानी धरा अकुलानी, षष्ठी की हुई रही हानि। अनसुईया की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया और सदा सदा के लिए जगदम्बा श्री पार्वती के साथ अतिश्वर रूप में उस तपोवन में विराजमान हुई। वर्षा द्वारा अन्न आदि वहां उत्पन्न हुआ और चराचर जीवों का कल्याण हुआ। पुनः गंगा जी ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, उसे तुमको भी पूरा करना होगा। गंगा जी बोली कि निज पति के ही तुम्हें सती किया जो शिव का ध्यान, और एक वर्ष का फल वही दे दो हमको दान। अनसुईया ने अपनी तपस्या का मात्र एक वर्ष का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। वे आज उसी कुंड में अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप से प्रवाहित हो रही हैं। यह सब चरित्र देखकर नारद जी वहां से जय अनसुईया जय अनसुईया कहते हुए देवलोक को प्रस्थान कर गए। आर्य देवलोक में नारद जी वीणा को बजाते आए, जय जय अनसुईया देवी की, जय जय अनसुईया देवी की वे रटन लगाते आए। कदम शोर भैया तीनों देवी दौड़ी पास नारद के आई हैं, भैया तीनों देवी दौड़ी पास नारद के आई हैं। सैलसुता ब्रह्माणी लक्ष्मी तीनों देवियां नारद जी से पूछने लगी, क्या नारद जी वास्तव में अनसुईया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है? नारद जी ने जवाब दिया, अरे हाँ, बात बिल्कुल सच है, और देवी जी मैं तो मृतलोक से अभी अभी उनके दर्शन करके आया हूँ। जय अनसुईया जय अनसुईया, तीनों लोकों में उनके समान सतीत्व वाली कोई भी देवी नहीं हो सकती। और इतना कहकर भैया नारद जी तो वहां से चले गए। अब हुआ क्या कि नारद जी ने इत गमन किया, देवियां उधर सोचती खड़ी, देवियां उधर सोचती खड़ी, क्या हम तीनों से बढ़कर भी, क्या हम तीनों से बढ़कर भी अनसुईया हो सकती हैं बड़ी। ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी तीनों
मन ही मन में सोचने लगी का हम जग में पूजनीय तीनों त्रैलोकी पूज्यपति हैं मेरे, त्रैलोकी पूज्यपति हैं मेरे। फिर भी अनसुईया सती बड़ी, फिर भी अनसुईया सती बड़ी, शंका भारी है दिल मेरे। देवियां सोच विचार में पड़ गईं। देवियों को भारी शंका है, और शंका भी नहीं बल्कि चिंता भी है। अभी तक तो वे तीनों अपने अपने घमंड में थीं। सबसे बढ़कर पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ हम ही हैं, और हमसे बढ़कर कौन हो सकता है इस दुनिया में। मगर जब अनसुईया के बारे में सुना तो तीनों देवियां दंग रह गई, और अपने अपने पतियों को अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा। विष्णु और महेश तनिक न करी अवार, आए भिक्षुक रूप में अनसुईया के द्वार। ओ भैया अनसुईया के द्वार, अनसुईया देवी के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भिखारी बनकर आज उनके दरवाजे पर आकर कहने लगे, माताम भिक्षाम देही, माता मुझे भिक्षा दे दो। तो भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला दो मैया, मेहर हो तुम्हारी। जब आवाज दी तीनों देवताओं ने, और मैया सती के कानों में आवाज पड़ी, तो सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाल हाथ ले करके आई। ओ के आ
हमें नहीं चाहिए भिक्षा तुम्हारी। भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। लगते नहीं है हमको तीनों भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। अनसुईया ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अतः सती जी ने क्या किया, लय के कमंडल जल के छींटे लगाए, सती जी नो तीनों देव बच्चे बनाए। दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी, दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी, पल्ला झूलाती महिमा सती जी की न्यारी। सती जी ने तीनों देवताओं को अपने सतीत्व के बल से 6-6 महीने के बालक बना दिए। अब पालने में मैया झुलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। भक्तों, माताओं को तो एक बार में ही बच्चे को पालना झुलाने और दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और यहाँ तो 3-3 बालक पालने में झूल रहे हैं और मैया उनको झुला रही हैं। कि मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के न भूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, मारे खुशी के न भूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने डाल
माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना। धन्य है मानसुईया, उनके समान सौभाग्यवती भला कौन नारी हो सकती है। भक्तों, इधर जब तीनों देवता अपने अपने लोक को नहीं पहुंचे तो उनकी तीनों देवियां उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। वे चैन होकर के बोली, आई जाओ जगत बिहारी, कहां देर करी, कहां देर करी, कहां देर करी। लक्ष्मी जी विष्णु को टेर रही हैं और अब उधर सैलसता यानी पार्वती मैया शंकर भगवान को निहार रही हैं, ढूंढ रही हैं कि सैलसता बोले कि प्यारी ढूंढत ढूंढत गिर जाहारी। कहते
का पुत्र नारद उन तीनों देवियों को मिल जाते हैं और उन्हें बेचैन देखकर पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। पतिवियोग से दुखी उन तीनों देवियों ने नारद से पूछा कि मैं अपने पतियों को ढूंढ रही हूँ, कृपा करके मेरी मदद करो नारद जी। यह सुनकर नारद जी ने जवाब दिया कि तुम तीनों के पति अनसुईया के यहाँ बालक बनकर पालने में झूल रहे हैं। नारद मुनि की बात सुने दिल में बाड़ी आज, तीनों देवी चली गई अनसुईया के पास। ओ भैया अनसुईया के पास माता अनसुईया के पास तीनों देवियां पहुंच गईं और उन्हें प्रणाम किया, साथ ही साथ एक बात कही कि मैया हमारे पतियों को वापस कर दो। यह सुनकर अनसुईया ने जवाब दिया कि अपने अपने पतियों को पहचान लो और ले जाओ। तब तक क्या हुआ भैया कि अत्रि मुनि वहां पे आए। अब अत्रि मुनि से अनसुईया जो बोली कि अब थोड़ा सा खांस खसार के आओ करो, जैसे तुम्हारे घर में तीन पुत्र बधुएं आ गई हैं। अत्रि बोले इतनी बड़ी बड़ी बहुएं और इतने छोटे छोटे बच्चे, ये मेल मिलाप तुमने कैसा किया? भगवत प्रेमियों, इधर तो अत्रि मुनि अनसुईया से बात कर रहे हैं और उधर देवियां पुनः कहने लगी कि हमारे पतियों को वापस कर दो। श्रोतागढ़ भाई बहनों, आज दुखी होकर सबसे पहले सैलसुता बोली कि इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी। भगिया को घोटने वाला मैं साजन वही लूंगी। जब बात तो सहसुता ने कही, अब ब्रह्माणी बोली किनसे? सती अनुसुईया से कि मैया इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी। वेदों को पढ़ने वाला मैं साजन वही। लक्ष्मी जी बोली कि वेदों वाला ना लूंगी मैं, भगिया वाला ना लूंगी, वेदों वाला ना लूंगी मैं, भगिया वाला ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी। चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन। श्रोतागण भाई बहनों, वे तीनों अपने पतियों को नहीं पहचान पाईं, उनका सिर लज्जा से नीचा हो गया और वे अनसुईया जी से क्षमा मांगती हुई बोली कि अब मेरे पतियों को वापस कर दो। यह सुनकर अनसुईया ने
अपने तपोवल से उन तीनों को फिर से वही रूप दे दिया। पहचान लिए जब पति प्यारे संगीता ने ये सारी कथा सुनाई।